जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ, आप किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं वो, अरे आप यहाँ बैठिए ना प्लीज प्लीज। वो मैम, एनीवे आप यहाँ पे कैसे? अर्जुन जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने मासा की बात नहीं सुनी। उन्होंने कितनी बार कहा हमसे कि आज के दिन कोई काम नहीं, हमने फिर भी मीटिंग रखी। अब देखो हमारा कितनी बार इंटरेक्शन हो गया पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। वैसे हम यहाँ पर्सनली आपसे ये कहने आए थे कि जो प्रपोजल आपने हमें मेल किया था वो हमें बहुत पसंद आया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बात हम मिस्टर लूथरा से कैसे बोलें। एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम मीटिंग के लिए बैठेंगे और हम मिस्टर लूथरा का प्रपोजल सुनेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि हमें आपका प्रपोजल यानी अर्जुन का प्रपोजल ज़्यादा पसंद आया। ओके थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके, ऑल द बेस्ट। सब कुछ वापस ले लूंगा ऋषभ, ऋषभ सब कुछ। कुछ फीलिंग बेटर? अरे ये बैग्स, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? ऐसे कैसे, अभी तो डील पर काफी काम बाकी है, डील फाइनली का हुई है अभी। शेखर जी आपकी बात एकदम दुरुस्त है, लेकिन क्या है कि हमारा मुंबई जाना जरूरी है, प्रीता जी का चेकअप कराना है एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस। ऋषभ जी, हमसे कोई भूल हो गई हो या खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो? प्रीता जी मासा देखिए ना, ये नाराज होके जा रहे हैं। हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं राधिका, ऐसे मत कहो, आप लोगों ने तो हमारी बहुत अच्छे से खातिरदारी करी। वो तो पता नहीं कैसे मेरी ही गलती से मैं गिर गई और ये सब हो गया, डिस्टर्बेंस मेरी वजह से। ऐसा मत बोलिए, आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी गलती थी? हादसा है और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, और आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो प्लीज आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपकी उसमें कोई। बिल्कुल सही कहा तुमने, गलती प्रीता की नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम्हें हाथ पकड़ लेना चाहिए था, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था। इफ यू वुड हैव बीन लिटिल मोर केयरफुल, आज ये नौबत नहीं आती। एक्सक्यूज मी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऋषभ जी ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, भाग कर आए होंगे, लेकिन अब मैं ऊपर से नीचे गिरी तो उतनी जल्दी वो नहीं पहुंच पाए। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पैर तो किसी का भी फिसल सकता है। इट वॉज एन एक्सीडेंट, दैट्स ऑल। सुन लिए या कुछ और सुनना? प्रिया जी नमस्ते। मासा थैंक यू सो मच, थैंक यू भी कैसे कहूँ, इतना छोटा वर्ड है, आप लोगों ने सच में हमें बहुत अपना बन दिया। अब हम चलते हैं। शेखर जी ये तो कोइंसिडेंस था कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस डील के लिए आए थे और करवा चौथ का फेस्टिवल बीच में आ गया, लेकिन जस्ट बिकॉज एक रसम निभा लेना उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनापन दिखाना शुरू कर दें। मैं प्रीता को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और जितना मैं प्रीता को समझाऊँ वो अपनी समझ से कम और दिल से ज़्यादा काम करती है, बहुत जल्द किसी का दिल जीत लेती है, बहुत जल्दी किसी का विश्वास जीत लेती है। तो हम यहाँ पर एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं, इसे आप फैमिली गेट टुगेदर मत समझिएगा। मुझे नहीं लगता कि आप प्रीता जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर जानते होते ये बात यहां ना करते। बातें मैं अभी बहुत सारी कर सकता हूं, पर बात जगह और वक्त देख कर करता हूं। भूल चुक क्षमा कीजिएगा। जीते रहो, खुश रहो।
मेरी और ऋषभ की नोकझोंक चलती रहती है, इसे माइंड मत करिएगा। और इस डील के बारे में हम फुर्सत में आराम से बात करते हैं। जी। See you. अर्जुन, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। ऑब्वियसली तुम घर वापस आए हो तो तुम्हें देखकर खुश होंगी ना। तुम्हारे बिना घर कितना सूना सूना लग रहा था पता है। How sweet. दो। अरे इट्स ओके, मैं ले लूंगा, चलो। वैसे मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गया होगा, लेकिन तुम्हें देख के और तुम्हारी बातें सुन के तो लग रहा है कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल सही गैस किया तुमने, दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया। इसका मतलब ये है कि डील लॉक हो गई? वेल, डील तो लॉक नहीं हुई है, एक और मीटिंग बची हुई है और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि डील किससे मिलने वाली, लेकिन 99% डील लॉक्ड है। मतलब डील 100% श्योर नहीं है, फिर भी तुम इतना ज्यादा खुश कैसे लग रहे हो? Yes. मैं कैसे गेस कर सकती हूँ, मुझे क्या पता वहां पर क्या हुआ है। सोचो भाई। प्रीता की कोई बात है? Exactly. You know what, Anjali? मैंने अपने हाथों से प्रीता का व्रत तोड़ा। हाँ, मैंने मिठाई उसे अपने हाथों से दी और उसे अपने हाथों से खाई। अर्जुन, आई एम शॉक्ड कि तुम्हारी डील लॉक नहीं हुई है, तुम उस बात से दुखी नहीं हो? तुमने प्रीता का व्रत तोड़ा, तुम्हें इस बात की खुशी हो रही है? मेरी बात का गलत मतलब मत समझना, इट्स ओके कि तुमने प्रीता का व्रत तोड़ा, लेकिन तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो अर्जुन। तुम कैसे कर सकते हो ऐसा, तुम ये सब बातें कैसे भूल सकते हो अर्जुन? अंजलि, मैं कुछ नहीं भूला हूँ यार, कुछ नहीं भूला हूँ मैं, मुझे सब कुछ याद है और अपने आप से किया हर एक वादा याद है। ऋषभ की आने वाली हर एक डील, सब कुछ छीन लूंगा मैं। I promise. अंजलि, कल ऑफिस में मीटिंग है ना? हाँ, लेकिन मैं तुमसे पहले जाऊंगी ऑफिस, मेरी और भी कुछ मीटिंग्स लाइंड अप है। श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे दी आ गए, एक मिनट गिरीश भैया। सॉरी, एक्चुअली दी और ऋषभ जी जा रहे हैं तो मुझे दरवाजा खोलना था, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं भाभी, अभी जिंदा हूँ। अच्छा, जोक मार रहे हो। दी और ऋषभ जी के लिए पानी लेकर आओ जल्दी, चलो। कभी कभी जीजू को भी याद कर लिया करो, हमेशा दी को ही याद करते हैं। ये तो मैं हूँ जो बुरा नहीं मानता, वरना। सॉरी जीजू। आई लव यू, मैंने आपको कितना मिस किया। हाँ हाँ, मैंने भी तुझे मिस किया। हाँ, और टिश्यू पेपर भी मंगवाए थे आंसू पहुँचने के लिए। ताना मार रहे हो गिरीश भैया। एक्चुअली क्या है ना, दरवाजा खोलने के एक्साइटमेंट में ना मैं गिरीश भैया से टकरा गई, उनको मेरा थोड़ा झटका लग गया। झटका नहीं, धक्का लगा था। हाँ हाँ, धक्का, शुक्र करो कि मुक्का नहीं लगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।